मैं रोल मॉडल, क्योंकि इस चीज में तो रिविजन हो जाता है, चेंजेज हुए, परिवर्तन हुआ कि आप जीके की जगह जीएस यानी जनरल स्टडी पूछा जाने लगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये दिमाग में उठना चाहिए कि जीके और जीएस के बीच अंतर क्या होता, जीके और जीएस के बीच अंतर क्या होता, जिसे कहा जाएगा कि जीके के अंतर्गत है, और इसमें क्या परिवर्तन हम करेंगे, कौन सी स्टडी ऐसा करेंगे कि कहा जाए कि यह जनरल स्टडी या जीएस के अंतर्गत आता है। कोई बताएगा जीके तथा जीएस? आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि प्लासी का युद्ध हुआ और आपके सामने ऑप्शन दिया जाए 1857 नंबर सेकंड, 1757 नंबर थर्ड, 1565 नंबर फोर, 1751। ठीक है, एक क्वेश्चन तो प्लासी के युद्ध के ऊपर इस तरह से बना कि प्लासी का युद्ध हुआ, छह अप्रोच दिखाई देते, सिक्स अप्रोच दिखाई देते, नंबर फर्स्ट पॉजिटिव अप्रोच, नंबर सेकंड नेगेटिव अप्रोच, नंबर थर्ड सोशल अप्रोच, नंबर फोर पॉलिटिकल अप्रोच, इकोनॉमिकल अप्रोच, हिस्टोरिकल अप्रोच, सोशल अप्रोच। ठीक, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन को या किस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग पॉजिटिव अप्रोच नाम देंगे, किस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग नेगेटिव अप्रोच नाम देंगे। कैसे पता चलेगा कि दिया गया क्वेश्चन सोशल अप्रोच पर आधारित है, दिया गया क्वेश्चन हिस्टोरिकल अप्रोच पर आधारित है, या इकोनॉमिकल अप्रोच पर आधारित है, या पॉलिटिकल अप्रोच पर आधारित है। ठीक है ना, इसके बाद हम लोग दो दो अप्रोच को मिला करके ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, क्योंकि वर्तमान समय में जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो दो अप्रोच को मिला करके पूछे जा रहे हैं, जैसे सोशियो इकोनॉमिकल अप्रोच, हिस्टोरिकल इकोनॉमिकल अप्रोच या सोशियो पॉलिटिकल अप्रोच। दिया तभी संभव होगा, इन सब में परफेक्शन तभी आएगा दो अप्रोच या दो से अधिक अप्रोच में, जब हम अलग अलग अप्रोच पे बहुत अधिक प्रैक्टिस कर लेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि पॉजिटिव अप्रोच के क्वेश्चन बनते कैसे हैं, नेगेटिव अप्रोच के क्वेश्चन बनते कैसे हैं, सोशल अप्रोच, इकोनॉमिकल अप्रोच, पॉलिटिकल अप्रोच, हिस्टोरिकल अप्रोच, यानी अलग अलग अप्रोच पे हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे, इसके बाद दो दो अप्रोच को मिलाएंगे, दोनों अप्रोच को मिला करके ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, और चूंकि हो सकता है कि आने वाले समय में तीन अप्रोच को मिला करके ऑब्जेक्टिव कमीशन के द्वारा पूछा जाए, तो हम लोग थोड़ा सा तीन अप्रोच को मिला करके भी प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि आए हुए क्वेश्चन पहले से हमारे बढ़ेंगे। क्लियर हुआ? अब हम लोग बात की शुरुआत किए थे कि जीके तथा जीएस के बीच अंतर क्या होता, यानी ऐसा क्या कुछ पूछा जाएगा जिसे देखकर कहा जाए कि जीके है, और इसमें क्या चेंज होगा, तो हम कहेंगे कि ये तो जीएस आ गया। हमने एक जॉब के लिए उदाहरण लिया प्लासी के युद्ध का, कि प्लासी का युद्ध हुआ था 1857, चार ऑप्शन है 1757, 1565, 1751। हमने आपसे क्वेश्चन किया था कि प्लासी के युद्ध के ऊपर और कितने तरीके से ऑब्जेक्टिव बनाए जा सकते हैं, पहला ऑब्जेक्टिव ये था। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये बन सकता है कि प्लासी के युद्ध का कारण था, ये बन सकता है ना, और चार ऑप्शन हो सकता है सामाजिक, नंबर सेकंड राजनीतिक, नंबर थर्ड आर्थिक, और नंबर फोर ऑल ऑफ अबव या उपयोग सभी। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड, अर्थात प्लासी का युद्ध हुआ और प्लासी के युद्ध का कारण था, इन दोनों के बीच थोड़ा सा अंतर को आप डिफाइन करिए कि दोनों के बीच अंतर क्या है। जब कभी भी हम ये कहते हैं कि प्लासी का युद्ध हुआ, कहा जा सकता है कि यह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट केवल और केवल सूचना पर आधारित है, इंफॉर्मेशन पर आधारित है,
जबकि जब ये कहा जाता है कि प्लासी के युद्ध का कारण था, इसका सीधा सा अर्थ हुआ कि तत्कालीन समय में प्लासी के युद्ध के समय सामाजिक अवस्था कैसे थी, राजनीतिक अवस्था कैसे थी, आर्थिक अवस्था कैसे थी। अगर इन तीनों अवस्थाओं के बारे में डीपली या गहन अध्ययन नहीं होगा, हम इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि क्वेश्चन नंबर सेकेंड अवधारणा पर आधारित है, कॉन्सेप्ट पर आधारित है। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत कहीं पे, कोई भी प्रॉब्लम हो बिल्कुल आराम से खड़े होइए, पूछिए। क्वेश्चन पूछने के लिए कभी कोई नहीं डांटेगा, कभी कोई नहीं बैठाएगा। ये इसलिए जरूरी है कि हो सकता है बताते समय, आपके सोचते समय आपके दिमाग में क्वेश्चन जो आ रहा है 5 मिनट 10 मिनट के बाद, हो सकता है कि वो क्वेश्चन डिलीट हो जाए, इसलिए तुरंत पूछा करिए। ठीक है ना? अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इंफॉर्मेशन पर आधारित है और क्वेश्चन नंबर सेकेंड कॉन्सेप्ट पर आधारित है। जब कभी भी केवल और केवल इंफॉर्मेशन पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाता रहा, तब इसे नाम दिया गया जीके, और जब इसे इंफॉर्मेशन में कॉन्सेप्ट को शामिल कर लिया गया, तब इसे ही नाम दिया गया जीएस, अर्थात जनरल स्टडी, सामान्य अध्ययन। क्लियर? एक और एग्जाम्पल लेके, लोकसभा का नाम सुना होगा आपने, राज्यसभा का भी नाम सुना होगा। अगर हम ये कहें कि लोकसभा का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता, आपका आंसर होगा प्रेसिडेंट कहलाता, अध्यक्ष कहलाता। राज्यसभा का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता, सभापति कहलाता, चेयरमैन कहलाता। ये इंफॉर्मेशन हुआ, ये जीके होगा। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि लोकसभा का प्रतिनिधित्व या लोकसभा को रिप्रेजेंट करने वाला व्यक्ति अगर अध्यक्ष कहलाता है, तो राज्यसभा को रिप्रेजेंट करने वाला व्यक्ति सभापति चेयरमैन क्यों कहलाता, यहाँ पर भी इसे अध्यक्ष क्यों नहीं कहा जाता, यह आपके लिए कॉन्सेप्ट का विषय है जो कहा जाएगा कि जीएस में आएगा या जनरल स्टडी में आएगा या इसका अध्ययन सामान्य अध्ययन के अंतर्गत होगा। क्लियर? कोई दिक्कत? एक और एग्जाम्पल आप देखिए ज्योग्राफी के फील्ड से। अगर आपसे ये पूछा जाए जितने भी डेजर्ट है, मरुस्थल है, कॉन्टिनेंटल के किस दिशा में पाए जाते हैं, जाकर के मैप देखिएगा, सब के सब वेस्टर्न साइड में पाए जाते हैं। जिन लोगों की ज्योग्राफी होगी जानते हो, सभी के सब पश्चिम दिशा में पाए जाते हैं। ये क्या हुआ? इंफॉर्मेशन हुआ, जीके हुआ। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सभी के सभी डेजर्ट चाहे जिस किसी कॉन्टिनेंटल में हो, वह पश्चिम दिशा में ही क्यों पाए जाते हैं, ये कॉन्सेप्ट हुआ, कहा जाएगा कि ये जीएस करता करता है। क्लियर? आपके तरफ से अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। अगर कहीं कोई चीज ना समझ में आई हो या आपको लगता है कि आप पे डाउट है, इसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात आएगी, नंबर 5 इंडियन इकोनॉमी की बात आएगी और नंबर 3 करेंट अफेयर्स की बात आएगी। बैंक की हो, जो लोग देना चाहते हैं, जो लोग देंगे उनके लिए करंट अफेयर्स, जिसे जनरल अवेयरनेस या समान संचेतना नाम दिया जाता। ये क्लियर? क्या हो गया? दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होती, ये बहुत आसान सब्जेक्ट है। ठीक है? अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा, कभी सोचा आपने कोचिंग ज्वाइन करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि आपकी जो एकेडमिक पढ़ाई थी हॉरिजॉन्टल थी, 36 थी, कॉम्पिटिटिव पढ़ाई वर्टिकल होती है। ठीक है ना? अब बात आती है कि वर्टिकल स्टडी और हॉरिजॉन्टल स्टडी में अंतर क्या? अभी तक जैसे हम लोग जो भी पढ़ रहे थे वो हॉरिजॉन्टल थे, तो किस कॉन्सेप्ट के आधार पर कहा जा रहा था कि हमारी स्टडी हॉरिजॉन्टल थी, और इसमें ऐसा क्या चेंज होगा, क्या परिवर्तन किया जाएगा कि कहा जाएगा कि अब हमारी स्टडी वर्टिकल होगी। जैसे साधारण सा एक एग्जांपल हम आपको देते हैं महिला सशक्तिकरण का। अगर महिला सशक्तिकरण की बात आती है और अगर हम आपसे कहें कि महिला सशक्तिकरण पर बातचीत करिए,
या बोलिए तो सीधा सा इसका कांसेप्ट ये होगा कि आप वर्तमान समय में महिलाओं की क्या स्थिति है इस पर बोलना चाहेंगे। ये आपकी हर जेंडर स्टडी हुई। लेकिन जब कभी भी अगर आपसे महिला सशक्तिकरण के बारे में वर्टिकल स्टडी के आधार पर बोलने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले आप बहुत क्या थी, प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति क्या थी, दिल्ली सल्तनत में महिलाओं की स्थिति क्या थी, मध्यकालीन भारत में महिलाओं की स्थिति क्या थी, आधुनिक भारत में महिलाओं की स्थिति क्या थी, और इसके बाद 1929 बहुत ही बड़ा परिवर्तन का ईयर है, वर्ष है, जो आप जानते होंगे, जिसे सारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है। यहीं से बहुत बड़ा परिवर्तन होता है महिला सशक्तिकरण के लिए। यानी 1929 से लेकर के 1947 आपका पहला पेश होगा। 1947 यानी स्वाधीनता के बाद, स्वतंत्रता के बाद, आजादी के बाद भारत में महिलाओं की क्या स्थिति रही 1980 तक, इसके बारे में आप बात करेंगे, क्योंकि इंदिरा गांधी के शासनकाल का समय है, इस पर डिस्कस करना होगा। और 1991-92 के बाद, यानी 1991-92 से लेकर प्रेजेंट टाइम तक, वर्तमान समय तक महिलाओं की क्या स्थिति है, जब इस पर आप बोलेंगे, इसको डिस्क्राइब करेंगे, इसका वर्णन करेंगे, तब कहा जाएगा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में वर्टिकल स्टडी है या ऊर्ध्व अध्ययन है। क्लियर होगा। अब बात आती है कि 1991-92 को हम लोगों ने अलग क्यों कर दिया। हम लोग चाहते हैं तो 1980 से लेकर के प्रेजेंट टाइम तक महिलाओं के बारे में बातचीत कर सकते थे। 1991-92 से अलग इसलिए किया गया क्योंकि 1987 से लेकर के 1991 के बीच में तीन अंतरराष्ट्रीय घटनाओं का उदय होता है। नंबर फर्स्ट, भारत का परंपरागत मित्र सोवियत संघ विखंडित हो जाता। नंबर सेकेंड, खाड़ी का युद्ध होता। नंबर थर्ड, जर्मनी का एकीकरण होता है। जर्मनी का एकीकरण इंटीग्रेशन होता है, इसका क्या कॉन्सेप्ट हुआ, पहले जर्मनी पूर्वी जर्मनी पश्चिम जर्मनी के रूप में विभाजित थे। लेकिन 1987 से लेकर के 91 के बीच में इस तरह से अंतरराष्ट्रीय घटनाओं का उदय होता है कि मजबूरी हो जाती है इनका एकीकरण हो, अर्थात पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी आपस में मिले। इन तीनों अंतरराष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव संपूर्ण विश्व में पड़ा। संपूर्ण विश्व में किस रूप में दिखाई दिया, नंबर फर्स्ट वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण या ग्लोबलाइजेशन के रूप में दिखाई दिया। अर्थात 1981 से लेकर के 91 तक जो बातचीत हम लोग महिला सशक्तिकरण के बारे में केवल इंडियन सोसाइटी के रेफरेंस में, भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में कर रहे थे, अब थोड़ा सा अपना लेवल हम ब्रॉड करेंगे सोचने का और हम जाएंगे कहां पर, वर्ल्ड लेवल तक, अर्थात पूरे विश्व स्तर पर महिलाओं की स्थिति क्या है, इसके बाद एशिया स्तर पर महिलाओं की स्थिति क्या है, करते चले आ। अगर इसको थोड़ा सा हम चेंज कर लें, अर्थात सामाजिक अवस्था का इतिहास में हम पढ़ना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हम एंशियंट हिस्ट्री से लेकर के और मॉडर्न हिस्ट्री तक पूरा पढ़ा है कि समाज की बदलती हुई अवस्था कैसी थी, कैसे बदल रही, और मैगजीन के बारे में नोट कर बिल्कुल ये उसी तरीके से आवश्यक है जैसे हम लोग को जीने, हमारा ज्यादा भी होगा, आइडेक्स भी होगा। इंग्लिश मीडियम वाले कितने वेरी गुड, टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में हम बोलते चलेंगे, ट्रांसलेट करने की जिम्मेदारी सबसे पहला काम करिए कि बिजनेस स्टैंडर्ड आप करना शुरू करिए, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है। जो भी हम रिसोर्सेज आपको बताएंगे कंप्यूटर अप्रोच में कंप्यूटर के लिए, वो दोनों में अर्थात
हिंदी मीडियम में भी होगा और इंग्लिश मीडियम में भी होगा, ठीक है ना। इसलिए आप ये मत पूछिएगा कि सर इंग्लिश में बता दीजिए या हिंदी में बता, मैंने यह बता दें। न्यूज पेपर में बिजनेस स्टैंडर्ड ये कंटिन्यू कर लीजिए, जरूरी है, क्योंकि जो न्यूज पेपर अभी तक आप पढ़ते हुए चले आ रहे उसमें आपके काम की चीजें नहीं मिलती है, आप जानते भी है, ठीक है ना। न्यूज पेपर ऐसा पढ़े जिसमें पॉजिटिव न्यूज ज्यादा निगेटिव कम हो, इससे होगा क्या कि आपकी एनर्जी पॉजिटिव चीजों हमारे यहाँ क्या होगा। इसके बाद वहां नहीं मिलेगा तो बगल के डिस्ट्रिक्ट का पूछेंगे कि देखिए बगल के डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा, वहां नहीं मिलेगा तो फिर आ जाएंगे कि चलो मंडल लेवल पे देख लिया जाता है, ठीक है। ये टाइम पास है न कि न्यूज पेपर की स्टडी। न्यूज पेपर हमेशा कल के समूह का डेली का डेली तैयार होता चले, इस पर पूरा पूरा एक दिन हम आपको समय देंगे, क्योंकि न्यूज पेपर अपने आप में बहुत बड़ा होमवर्क है। अभी तक क्या होता था कि कोई रूम पे आ गया, ठीक है ना, आप उससे परेशान है तो तुरंत कहते क्या चलो चाय पी के आते, वहीं पे जाके न्यूज पेपर पढ़ते, यानी उसको भगाने का तरीका है। तो जो अगर कोई इस तरह के से कहे समझ जाए कि भगाना चाहता दोबारा मत जाए, ठीक है ना, उसके लिए भी सही रहेगा। चाहे वो सबके साथ मध्यम वर्ग से संबंधित, कोई पूंजीपति वर्ग से संबंधित नहीं है। तो दिमाग में हमेशा संकल्प लेके चलिए, विकल्प लेके मत चलिएगा कि अगर ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा, ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा। वर्तमान समय में ये टेंडेंसी बहुत ज्यादा देखी जा रही है इलाहाबाद में कि लोग ले पास से लेकर के आईएएस तक का बारे में सोचना ही नहीं है। नौकरी मिलेगी 100% मिलेगी, बस ये है कि ज्यादा नहीं, केवल 2 साल टाइम दीजिए, 1 साल कोचिंग के लिए और 1 साल रूम स्टडी के लिए। घर वालों को भी समझाइए, क्योंकि अभी आप जाएंगे, जैसे ही जाएंगे रक्षाबंधन में घर वाले कम, लेकिन घर के पड़ोसी तुरंत पूछेंगे कि क्या कर रहे हैं, सबसे ज्यादा दिमाग खराब करते हैं सजा। उनको ये भय है, ये डर है कि इनका बेटा गया है कुछ बन के न चला है, सीधे सी बात है, निंदक किए थे ताकि इन लोगों को लेके चला जाए, क्योंकि ऐसे लोग अगर नहीं होंगे सोसाइटी में तो सोचिए सोसाइटी फिर कैसी होगी, बहुत ही बोरियत होगी। वो दिन में 5 बार मिलेंगे, 5 बार ही पूछेंगे कि अभी क्या चल रहा है, अभी क्या चल रहा है, आप क्या देंगे तैयारी चल रही है, तो 5वीं बार में भी तैयारी चल रही है, ठीक है ना। उनको कहने दीजिए, उन पर नहीं सोचना है, गार्जियन आपके साथ है, ये सबसे बड़ा गार्जियन का त्याग है। हमेशा दिमाग में बैठा के चलिए कि घर से जो भी रिसोर्सेस पैसे आ रहे हैं, घर में रुके हुए लोगों की आवश्यकताओं को किल कर रहा है, ठीक है ना। बस बहुत सी बात है कि किसी की नीड या किसी की आवश्यकता को अगर किल करेंगे तो आपसे वो कुछ न कुछ एक्सपेक्ट करेंगे। अगर हमें मान लीजिए कोई महंगी वस्तु चाहिए और उसकी आवश्यकता को रोक दिया गया, तो ये दिमाग में बैठा के चलेगा कि आपको जब नौकरी लगेगी तो हम उसकी डिमांड आपसे करेंगे। वो छोटे भाई हो सकते हैं, छोटी बहन हो सकती है, ठीक है ना। ये सारी चीजें थोड़ा सा दिमाग में लेके चलिएगा, क्योंकि इलाहाबाद है बहुत फर्टाइल भूमि है, हर किसी को कुछ न कुछ दे करके बेचती है, बिना दिए वापस नहीं बेचती है, ठीक। न्यूज पेपर में लिखिए, बिजनेस स्टैंडर्ड मैगजीन में आप लिखिए, एसएससी वाले लिखिए, प्रतियोगिता सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता दर्पण करके पाता है, इसमें आपके क्वेश्चन बैंक मिलेंगे, ठीक है ना। जितने पुराने एग्जाम में रहते हैं 1 साल के अंतर्गत सारे पेपर इसमें रहते हैं। सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता दर्पण इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। इसके बाद बैंक पीओ वाले लिखेंगे, बैंकिंग सर्विसेज क्रॉनिकल, बैंकिंग सर्विसेज क्रॉनिकल b.s.c, बीएससी बैंकिंग सर्विसेज क्रॉनिकल। ये 15 दिनों पे मैगजीन निकलती है, इसमें बैंक पीओ बैंक क्लर्क के लिए प्रैक्टिस सेट चलता है। तो जिनको केवल बैंक पीओ देना है, बैंक क्लर्क देना है, वो बीएससी के टच में आ जाए, यानी बैंकिंग सर्विसेज क्रॉनिकल के टच में आ जाए, ठीक है ना। इसके बाद आप लिखिए विज्ञान प्रगति,
ठीक है बस अभी इतना इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस लिखेंगे इंडियन इकोनॉमी में हमें क्या क्या पढ़ना है क्योंकि जीएस में हमें इंडियन इकोनॉमी के लिए करना है ऐसे बीच बीच में हम बताते चलेंगे संपूर्ण जीएस के बारे में हम लोगों के यहाँ जो जनरल स्टडी का लेवल है वो हमेशा मान के चलेगा कि एसएससी से थोड़ा सा ऊपर है और पीसीएस से थोड़ा सा नीचे है अब क्या इसमें हम लोग गाइड कर लेंगे कि पीसीएस लेवल पे हम लोगों का जीएस तैयार हो जाए ये हम बीच में बताते चलेंगे ठीक है ना यानी कहने का सेंस ये है कि अगर आपने यहाँ पे पढ़ा है या आपने एडमिशन लिया है तो अलग से जीएस के लिए कहीं पर भी आपको कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी पहली चीज और जीएस के दो पेपर हो रहे हैं सभी लोगों को पता है चाहे वो पीसीएस का पेपर हो चाहे आईएएस का एग्जाम हो एक जीएस वन करके होता है जीएस टू करके होता है ठीक है ना मैथमेटिक्स के नाम पे वहां पे मेंटल मैथ नाम दिया जाता है ठीक है और इसके बाद पैराग्राफ राइटिंग वगैरह पैसेज वगैरह क्वालिफाई ये वो सारी चीजें इंग्लिश में आप पढ़ लेंगे ठीक है तो अलग से संपूर्ण रिजल्ट कभी हम लोग काउंट नहीं करते हमेशा टॉप 100 का ही रिजल्ट हम लोग लेके चलते हैं ठीक है ना तो केवल और केवल मेहनत करिए साथ में और कुछ मत करिए चलिए सिलेबस पे आइए नंबर फर्स्ट अर्थव्यवस्था का अर्थ मीनिंग ऑफ इकोनॉमी अर्थव्यवस्था का अर्थ केवल स्वरूप गाइड्स ऑफ इकोनॉमी प्रकार जिसे करते हैं अर्थव्यवस्था का अर्थ एवं स्वरूप डैश नंबर फर्स्ट पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कैपिटल से बना है कैपिटलिस्ट पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कॉमा समाजवादी अर्थव्यवस्था सोशलिस्ट इकोनॉमी मिश्रित अर्थव्यवस्था मिक्स्ड इकोनॉमी मिश्रित अर्थव्यवस्था मिक्स्ड इकोनॉमी विकसित अर्थव्यवस्था डेवलप्ड इकोनॉमी हाँ में छोटी की मात्रा सौ में छोटी की मात्रा पूरा तो विकसित कोई बात नहीं स्पेलिंग हम ऐसे बीच बीच में बोलते भी चलते हैं ठीक है रिकॉल कराते रहेंगे हमने कहा था कि पीछे चीजें छूट चुकी हैं वो सब रिकॉल कराएंगे ठीक है विकसित अर्थव्यवस्था और डेवलप्ड इकोनॉमी विकासशील अर्थव्यवस्था डेवलपिंग इकोनॉमी बंद अर्थव्यवस्था क्लोज्ड इकोनॉमी बंद आधा ना पूरा ना बंद क्लोज्ड बंद अर्थव्यवस्था क्लोज्ड इकोनॉमी खुली हुई अर्थव्यवस्था ओपन इकोनॉमी खुले हुई अर्थव्यवस्था ओपन इकोनॉमी समानांतर अर्थव्यवस्था पैरेलल इकोनॉमी समानांतर अर्थव्यवस्था पैरेलल इकोनॉमी ज्ञान अर्थव्यवस्था नॉलेज इकोनॉमी ज्ञान अर्थव्यवस्था नॉलेज इकोनॉमी नई अर्थव्यवस्था न्यू इकोनॉमी नई अर्थव्यवस्था न्यू इकोनॉमी के ऊपर रेमेडीज बेरोजगारी कैसे दूर होगी मनरेगा से ये सब विकल्प दिमाग